पहुंच गए थे और अभी बज रहे हैं 11 और हम लोग सेटल डाउन हो रहे हैं, रूम्स वगैरह ले रहे हैं. बट इस दौरान एक किस्सा हो गया है कि हमारे साथ एक है हैप्पी, इनका फ़ोन खो गया है. फ़ोन एक्चुअली में फ़ोन कैसे खो गया है कि फ़ोन किसी ने छुपा लिया है और वो दे नहीं रहा. हमारे साथ दो बसेस हैं और इतने सारे लोग हैं, पता नहीं फ़ोन किसके पास है. और शर्त ये रखी गई है कि जब तक ये पार्टी नहीं देंगी तब तक वो फ़ोन वापस नहीं मिलने वाला है. मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और अचानक मेरे आंखों के सामने से मेरा फ़ोन गायब हो चुका है, मुझे पता नहीं चल रहा है कहाँ गया है. बट मैं इसके लिए कोई पार्टी कुछ नहीं देने वाली. लंच रेडी है और लंगर चखने के बाद हम सब लोग निकलेंगे माना गांव के लिए. वहां पे इंडिया और चाइना का बॉर्डर है और माना गांव इंडिया का लास्ट गांव है. कोशिश कर रहे हैं, सब लोग निकल चुके हैं, सिर्फ 10 लोग रह गए हैं. हम लोग गाड़ी की वेट कर रहे हैं और गाड़ी नहीं आई है अभी तक. हम लोग पहुंच गए हैं माना गांव जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लोकलाइज ऐसे ही घूमने वाले हैं और आगे जाके एक मंदिर भी है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी. आज का शुभ समय जो बद्री विशाल के क्षेत्रपाल और इस गांव के जो हैं भूमि के रक्षक हैं श्री घंटाकर, तो आज उनका मेला है. तो आप लोगों का तो अहोभाग्य है कि आज उस समय पे आप लोग यहां पे उपस्थित हुए कि जिस समय पे घंटाकर का मेला चल रहा है. तो ऐसा कि सबसे पहले आप लोग घंटाकर का मेला देखें, आधे घंटे तक होगा, पौने घंटे तक होगा घंटाकर का मेला. उस मेले को देखने के उपरांत आप लोग ब्यास गुफा जाइए, हम आपको ब्यास गुफा में मिलेंगे और इस क्षेत्र के विषय में पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे. हरे thank you.
अभी हम लोग गणेश गुफा के सामने हैं और इसकी एक स्टोरी है जो कि हमें हैप्पी बताएंगी। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे ये पता है कि ये पुराण एवं महाभारत लेखन स्थल है जहाँ गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। व्यास जी ने ऊपर गुफा में बैठ के उन्हें वहाँ से बताया था और उन्होंने यहाँ लेख किया था, और उन्होंने ये शर्त रखी थी कि आपको लिखना है और ये आपकी कलम नहीं रुकनी चाहिए। बात कर रहे थे कि व्यास जी ने यहाँ पे बैठ के नीचे गणेश जी को वेद लिखवाए थे। यहाँ पहुँचते सबको सांस चढ़ गया है। नहीं, सब हाँफ हाँफ की बात कर रहे हैं। ये देखो, इनको तो खांसी भी हो रही है। मेरे पीछे वेद व्यास जी की गुफा है और मेरे इस तरफ है भारत की आखिरी चाय की दुकान, और इसके बाद जो है चाइना शुरू हो जाता है। हमें डर क्या जमाने से हमारे दो सारे, हमें डर क्या जमाने से हमारे दो सारे हैं। कन्हैया दोस्त है अपने, कन्हैया दोस्त हैं अपने, मालिक राम प्यारे हैं। बोलो श्री वेद व्यास भगवान की जय। देखिए सज्जनों, इतनी टूट फूट के बावजूद भी, इतनी बरसात के बावजूद भी आप लोगों के किस्मत पे वेद व्यास जी के दर्शन थे, इसीलिए वेद व्यास जी आपको खींच खींच करके यहाँ तक लिया है। व्यास जी की गुफा देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं भीमपुल। अभी हम जिस पर चल रहे हैं ये भीम पुल है और ये है सरस्वती नदी। आप देख रहे हैं हमारे पीछे सरस्वती नदी है। पुराने जमाने में कहते हैं जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो सरस्वती नदी ने इनको जाने के लिए रास्ता नहीं दिया, तो भीम ने पैर मार के चट्टान तोड़ के पुल बनाया जो आप देख रहे हैं। इस पुल को पार करके स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। ये स्वर्ग की ओर रास्ता जा रहा है, आप देखें ये रास्ता सीधे स्वर्ग की सीढ़ियों की ओर जा रहा है, जिससे पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। बहुत देर हमने लगा दिया यहाँ पे, बट इन्जॉय बहुत किया। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया है। आठ बज चुके हैं और सबको थोड़ी थोड़ी भूख लगी है, तो सब लोग सूप पी रहे हैं। सूप बहुत ही अच्छा है,
बहुत डिलीशियस सूप है। सूप बहुत यमी है, बहुत टेस्टी है। आप सूप नहीं ले रहे? मैं तीन बार पी चुका हूँ, अभी मैं चौथी बार लेने के उसमें हूँ। सूप किसने बनाया है भाई, जल्दी बताओ। आपने बनाया? नहीं मैंने थोड़ी बनाया है, मैंने नहीं बनाया है, बताओ आपने बनाया? आपने आपने सूप इन्होंने बनाया है, बहुत ही यमी है। बाबा जी, बाबा जी, ऐसा सूप मेरे शिष्य ने आज तक कभी नहीं बनाया, ये पहली बार बनाया है। दिल टोस्ट और ब्रेड क्रम्स की जगह पे रस डाली जा रही है सूप के अंदर, ये डाली जा रही है और ये बिल्कुल टोमेटो जैसे जो रस होते हैं बिल्कुल वैसे टेस्ट दे रही है, बहुत ही टेस्टी है। टाइम हो रहा है 8:45, हमने सूप भी पी लिया है और थोड़ा सा पेट भी भर गया है। हम आए हैं थोड़ा सा मार्केट घूमने के लिए, कुछ शॉपिंग तो नहीं करनी है बट लेट्स सी अगर कुछ पसंद आ जाता है तो। वैसे यहाँ पे मोस्टली वूलन क्लोथ्स हैं और मंदिर का सामान है, बिकॉज यहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर भी है और जो वूलन क्लोथ्स हैं वो है हैंडमेड। रात का लंगर रेडी है और लंगर में बने हैं राजमा चावल जो कि सबके फेवरेट हैं। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है 6:30 और मैं 5:30 बजे की उठी हुई हूँ इसे देखने के लिए। ये नीलकंठ पर्वत है और बोलते हैं कि जब इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो ये गोल्ड की तरह चमकता है, जैसे कि अभी हमें दिख रहा है। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकट गंगावत निर्मल बद्रीनाथ विश्वंभरम्। अभी 9 बज रहे हैं, हम लोग रेडी हैं, सामान वगैरह सब पैक कर दिया है, बस इसमें रखवाने के लिए रख दिया है और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए। साढ़े 10 हो गए हैं और हम लोग निकल गए हैं बद्रीनाथ से नगरासू के लिए।